आज आप लोगों का स्वागत है सिंबल क्लासेस न्यूज नेटवर्क में। मैं एंकर बाबू सर आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आया हूँ कि आप लोग जानते हैं आज 2022 का करवा चौथ है, तो इस करवा चौथ के बारे में लोग क्या सोचते हैं और ये क्यों मनाया जाता है, इससे लोगों की क्या भावनाएं जुड़ी हैं और क्या क्या बातें लोग सोचते हैं, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं इस डिजिटल जमाने में। तो सबसे पहले हम कोचिंग के डायरेक्टर साहब बाबा सर के पास चलते हैं। तो आपका स्वागत है सिंगल क्लास न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो 2022 का करवा चौथ है, इससे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कुछ क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं बताइए कुछ। हाँ देखिए, अगर 2022 करवा चौथ है, इसके बारे में मेरा यही निर्णय रहेगा कि पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को भी पति का सम्मान करना चाहिए। और हमको नहीं लगता कि करवा चौथ करने से आयु बढ़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि लोग कहते हैं कि प्यार बढ़ जाता है, क्या इसके पहले प्यार नहीं था? अगर प्यार नहीं था शादी क्यों किया? ये सभी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट करवा चौथ का मतलब ये नहीं है कि आप लड़े झगड़े, एक दूसरे का साथ दें और अपनी जिंदगी को आगे व्यतीत करते रहें। मतलब आपका कहना ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम करवा चौथ करके ही अपने प्यार को प्रदर्शित करें। जी जी, कई तरीके हो सकते हैं प्यार को बढ़ाने का। मतलब ये आपका एक मतलब अलग धारणा है। हाँ। चलिए अच्छा, हम देखते हैं डिजिटल जमाने में कई कई न्यूज में सुनने में आता है करवा चौथ के लिए मतलब शादीशुदा लोग शादीशुदा लड़कियां रखती हैं, लेकिन कभी कभी सुनने में आया कि कुछ लड़कियां शादीशुदा नहीं होती हैं वो भी रख लेती हैं, इसका क्या कारण है आप ये बताइए। हाँ, ये तो कई बार न्यूज में देखने को मिला भी है। आजकल की जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं वो क्या करती हैं, मम्मी से कहती मम्मी करवा चौथ के दिन मेरा पेट दर्द कर रहा है, जबकि उनका वो पेट दर्द के बहाने आज व्रत रहती हैं। उनको ये दिमाग में फिट रहता है कि करवा चौथ रहेंगे तो हमारे बॉयफ्रेंड का हमारा अच्छा प्यार रहेगा, अच्छा व्यवहार बना रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा ना करें न करने दें। और हाँ, पहले की लड़कियों की बात तो एक कवि ने एक छोटी सी कविता में बताया था कि पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले, ठीक है। और आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़कियां क्या हो गई हैं, वो कहती हैं आजकल की मॉडर्न जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि आया बहार है दिल बेकरार है, आजा मोरे बलमा नहीं तो दूसरा तैयार है। बताइए क्या ऐसे कभी अगर इस चीज को गढ़ा है तो ऐसे अब कभी के बारे में जानते हैं, जहां तक पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, अगर कभी ने इस कविता को गढ़ा है तो इसके पीछे कहीं कुछ राज रहा होगा। तो राज ये है कि मतलब अगर मॉडर्न जमाने की लड़कियों को देखते हुए बनाया गया, इसका मतलब अगर दूसरा तैयार इसका मतलब उनका एक से प्रेम नहीं है, तो किस मायने में वो करवा चौथ कर रही है, तो अगर करवा चौथ कर रही है तो एक ही पर डिपेंड रहे और उसके लिए मर मिटे, ठीक है। चलिए देख रहे हैं दोस्तों, आज मतलब बाबा सर का बहुत अच्छा खासा इसके बारे में रिसर्च है, मतलब बता रहे हैं कि लड़कियों का केवल ये कुछ लड़कियों का दिखावा रहता है, वो इंजॉय लाइफ में चाहती है कुछ भी करे जा रहे हैं। तो एक तो हम ये समझे आपसे कि मतलब क्या ये करना ठीक है करवा चौथ का व्रत कि गलत है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अगर प्यार बढ़ाना है तो और भी कई तरीके हैं जिससे आप प्यार को जाहिर कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो पति या जो पत्नी करवा चौथ कर रही हैं आज भर तो करेंगी, ठीक है, आज करवा चौथ का दिन है इसलिए करेंगी, तो अगले दिन ही अगर पति कुछ बात बोल देता है या कुछ ऐसी प्रेशराइज बात बोल देता है तो तुरंत उसकी रसोई घर में पिटाई हो जाती है, कहां गया आपका करवा चौथ का प्यार? हाँ, देखिए दोस्तों, ये बात भी अक्सर आप लोगों को जानने को मिला होगा कि कल पत्नी करवा चौथ थी और दूसरे दिन उन्होंने बेलन से चौकी से लात घूसे से पति को मारा और मार करके भेजा कि जाए वो काम करने, घर में आएगा तब कुछ खाना वाना खाने को मिले। तो बाबा सर ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और तो इसके एक चीज और बात समझाना चाहते हैं कि पत्नियां बिना विरोध कर रही लोगों की कि क्यों ये केवल पत्नियों के लिए बना है, लड़कों के लिए कोनो चौथ का नहीं बना, इसके बारे में आप क्या कहना? जी बिल्कुल, लड़कियां मूर्ख होती हैं, उनको बेवकूफ बनाना पल भर की बात है, उन्हें प्यार से बोलिए तुरंत मान जाएंगे, अभी गुस्से में तुरंत उनको बोल दीजिए कि आप नहीं खाएंगे तो मेरा दिल नहीं लगता है, आप सांस नहीं लेंगे तो मेरा दम घुटने लगता है, तो तुरंत मान जाती है। लड़कियों का दिल वैसे भी कोमल है, ठीक है, जिसकी वजह से लड़कियों को बेवकूफ बनाया जाना बहुत ही जायज है। हम कह रहे हैं कि अगर करवा चौथ लड़की रख रही है तो लड़की का लड़का से प्यार बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं लड़कों को भी रखना चाहिए, लेकिन लड़के नहीं रखते क्योंकि दृढ़ दिल के होते हैं और दृढ़ दिमाग रखते हैं और दृढ़ सोच रखते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा करने से कतराते हैं। नहीं तो हमारा क्रॉस क्वेश्चन है कि अगर लड़कियां क्यों कर रही है करवा चौथ में, लड़कों को भी करना चाहिए, उनकी भी तो प्यार बढ़ना चाहिए, उनकी भी तो बाबा है। तो
बाबा सर का कहना ये है कि मतलब ये केवल लड़कियां करती हैं, मतलब उनके अंदर समझ नहीं है, उनको लोग शुरू से ही उनको मतलब दिमाग पागल बना करके रखे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं दिए हैं। अगर ये सच में रहता तो इसको लड़के भी करते हैं, इसका मतलब ये है कि लड़के जानते हैं कि इससे कुछ होता जाता नहीं है, इसलिए वो नहीं रखते हैं, और लेकिन लड़कियाँ रखती हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि सच्चाई ये है कि इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। और उसके बाद आप समझें, हमारा तो काम है न्यूज में हर एक बातों को लोगों के समक्ष रखना, तो आप लोगों का इसी बातों में विराम देता हूँ। धन्यवाद। सिंपल क्लास न्यूज नेटवर्क से बने रहे, अभी आगे मिलेंगे कुछ और नई खबर में।